टू द चैनल और हम यहीं पे भाई रात को शिवाना सो ही नहीं है और हम तो सोए हैं मस्त। मम्मी से पैसे मिलते खुले आपको मेरे पास है पैसे का बटुआ फाल से खाने लेके जा रहा हूं तो गली में ना फाल से वाला रुकवा लिया फाल से लेने जा शिवाना को ले कैसे दे रहे हो 50 रुपये दे दो जैसे भी हो कितने के 100 ग्राम 80 के 100 ग्राम है पहले दिन तो है बहुत मंडी से महंगा 70 के तो मिला 10 रुपए से क्या बात कर रहे हो आप मंडी से महंगा रहा है 2 किलो माल खुला 1 किलो तैयार है अभी 100 ग्राम बोल 50 ग्राम नहीं 100 ही कर दो फिर फाल से तो रख दिए ठंडे होने फ्रिज में अब हम खाएंगे आलू का पराठा है ये के किसका है अरे अरबी का पराठा तो जी अभी हमने ऑस्टी को छोड़ दिया घर पे वापस क्योंकि विवेक ने भी आना होता है बट बहुत विशाल स्कूटी ना आगे लगा दे स्कूटी यहाँ लगा दे तो ऑस्टी को तो छोड़ना ही था बट हम इतनी इमरजेंसी में भाग के आए ना क्योंकि हुआ क्या मेरी मम्मी छत पे गई कपड़े डालने और नीचे से जो लॉक है जो ऑटोमेटिक डोर अपना बंद हो जाता है ना हमारा वो बंद करके ऊपर चली गई और जो चाबी का छल्ला लेके गई ना उसके अंदर उसकी चाबी नहीं थी उस दरवाजे की चाबी नहीं थी और भाई मम्मी फ़ोन भी ऊपर नहीं लेके गई थी फिर मम्मी ने सामने नेबर्स को बोला कि पापा को फ़ोन करें उन्होंने पापा को फ़ोन किया पापा ने मुझे फ़ोन किया वो तो मेरी सिस्टर भी कहीं बाहर गई हुई है वो तो बाई चांस हम लोग पास ही थे वैशाली का घर बिल्कुल पास ही है तो विशाल और मैं भाग कर आ गए स्कूटी पे ऑस्टी को भी ले आए और आके ताला खोल दिया वरना अगर हम कहीं दूर होते ना तो और लफड़ा हो जाता है। Hi guys, welcome back to the channel. आपको पता होगा मैं मम्मी के घर हूँ रात वहीं रुके थे और ऑस्टिन को घर छोड़ने जा चुके हैं क्योंकि विवेक का भी टाइम होने वाला है आने का हमारा शाम को क्या प्लान है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे बट मैं आपको बता दूँ कि विशाल के रूम वाले ए सी को सर्विस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी बैंड लगी है रात को इतनी गर्मी लगी है मुझे और अब वो सर्विस करा रहे हैं शिवाना यहीं पर है मैंने तो सोचा था मैं आज रात भी रुकूंगी बट आई कैन नॉट सैक्रिफाइस भाई मैं आज और नहीं रुक पाऊंगी और यही होता है पता नहीं घूम फिर के मेरे साथ ऐसा क्यों होता है अब सर्विस एक बहाना बन गया नहीं अदरवाइज सो जाती मैं रुक जाती और मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है बच्चे से भी और हर चीज़ से इरिटेशन होती है तो जी विशाल का ना एसी थोड़ा सा ख़राब हो गया तो विशाल सोच रहा है न्यू ही खरीद लूँ तो हम आए हैं पास में विजय सेल्स पे एसी देखने के लिए अगर ठीक लगेगा तो अभी ही खरीद लेंगे हम सो गाइस पिछले साल मदर्स डे पे मैंने मेरे पास एक प्रमोशन के लिए ब्रांड आया था फेशियल किट का तो प्रमोशन करने के बाद मैंने ये मम्मी को गिफ्ट कर दिया क्योंकि उन दिनों मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती थी बट बच्चे की केयर के बाद बता दूँ बच्चे की ये देख रेख के बाद मेरा सच मन करता है कि मेरे को अपनी पैम्परिंग करने का टाइम नहीं मिलता तो आई फील वेरी पिटी ऑन माई सेल्फ तो इसलिए मेरे को आज ही दिख गया और मेरे मैंने आज तक यूज़ नहीं किया तो मेरे हाथ जब ये लग गया है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको आजमा लिया जाए हमेशा शिवाना का यही है ऑफ टाइम सोएगी जब नहीं सोना तब सोना है 7 बजने वाले हैं वो सो रही है चल मैं हम तो यही सोचते हैं कि चलो जब सोएगी फ्रेश उठेगी नहीं तो चिड़चिड़ी रहेगी और मेरे को लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छा अपना क्लीनअप किया है भाई देख लो गोलू ने शिवाना को वो दिलवाया अभी फ़ोन जैसा हम बचपन में फ़ोन के साथ खेलते थे ना
जिसमें गाने बजते हैं, सेम वही वाला लिया अभी हम अंकल से। ओए तो लाइट तोड़ दी भाई इसने। कोई बात भाई, शिवानो को चिढ़ा रहे हैं कि हम पार्क जा रहे हैं। मामू जा रहे हैं भाई शिवाना जा रही है। भाई साहब शिवाना जा रही है अपने चाचू के साथ हमारे घर, मतलब ये भी घर जा रहा है वो भी हमारे ही घर जा रहा है। डर गया? डर गए? कोई बात नहीं, चलो देखिए बोलू साइड से निकल जाए। सो गाइस हम लोग आ गए थे घर के यहाँ और मैं पार्क के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि विशाल और गोलू की स्कूटी में आ रही है शिवाना, आई मीन बाइक पे, तो वेट कर रही हूँ पार्क के बाहर। वो लोग हमारे पीछे ही हैं तो यहाँ से मुझे दिखेंगे वो आते हुए, तो शिवाना को पार्क ले जाऊँगी, दो दिन से पार्क में गए। सो गाइस बैक टू होम अगेन, और ये ना मेरा ब्राउन पेपर आया हुआ है फ्लिकर के काम से, देखो उस पर कैसे कैसे चल और मतलब रोल हो रही है पैर रख के, डांसी डांसी डांसी। और स्लाइड जो है वो गाड़ी में है, विशाल और गोलू अभी आ रहे हैं तो वो लेके आएंगे। भाई साहब मैं ऑस्टी को प्यार ही कर रहा हूँ जिससे मैं बेचारे से दोपहर से मिला नहीं हूँ, बीच में आके लेट गई है शिवाना, ये क्या मतलब है बेटा? भैया को प्यार ही करने दो। और चढ़ेगी और भाई और चढ़ गई, इसको दोपहर में खाना डाल के गया था और इसने अभी तक नहीं खाया था, अब हमारे आने के बाद खाया है और मुझे ऐसा लग रहा है ये उदासी में किया है इसने ऐसा, है ना, कि मेरे को यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं तो इसने उदासी में खाना नहीं खाया, ये उदास था सुबह से। और अब हम आ गए, अब ये रेल बना देगा रात को 4 बजे तक खाने की, कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। कस्टमर केयर में नहीं, मतलब क्लाइंट संभालना होता है, तू अपना क्लाइंट संभाल पहले, ये क्लाइंट संभाल। गाइस रात के बज रहे 2:30 और यहाँ पे हो रही है गपोड़ियाँ बातें, शिवानू भी यहाँ बैठा हुआ, आज उसको फोन दिया है ताकि थोड़ी में बातें शाते करने दे। और ऑस्टी इतनी देर से शोर रहा था, वो उठ के बैठ गया, क्या हो गया, भूख लग गया शायद, ये लोग कल टैटू बनवा रहे थे उस बारे में डिस्कशन। बोलो आप टैटू बनवा रहे? तो जी देखो 4:45 हो रहे हैं सुबह के और अभी तक सब लोग बैठ के खेल रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, तो अब भूख लगनी तो लाजमी है, तो मैगी बनाई है यहाँ पर, कम से कम 3 किलो मैगी बनाई है विशाली ने सबके लिए। गाइस तो सुबह के 5 बज गए और हम लोग अब मैगी वैगी खा के थक चुके हैं, साइन आउट, मिलेंगे कल, बाय टुमारो।